ये गाइस, जैसा कि भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपने बेस को कितना हाई क्वालिटी में स्मूथ किया हूँ, और आप लोग भाई अपने फेस को भाई इतना हाई क्वालिटी में स्मूथ कर नहीं पाते हो भाई, मुझे पता है। तो आप लोग भाई गलती क्या करते हो, आप लोग ने भाई गलती क्या करते हो भाई, आप लोग अपने फेस को भाई स्मूथ भाई इसलिए नहीं कर पाते हो कि आप लोग को भाई ब्रश की भाई सेटिंग नहीं पता है, और ना ही आप लोग भाई ब्रश को आप लोग को भाई ब्रश पता है कौन सा ब्रश लेना है और भाई किस ब्रश से अपने फेस को स्मूथ करना है। आप लोग भाई ये सब नहीं जानते हो, इसी वजह से आप लोग अपने फेस को भाई कुछ इस टाइप से भाई स्मूथ नहीं कर पाते हो। तो मैं आप लोग को बस भाई वही बताऊंगा कि आप लोग को ऐसा भाई फेस स्मूथ करने के लिए आप लोग को कौन सा ब्रश लेना है और आप लोग कैसे स्मूथिंग करेंगे भाई कुछ इस टाइप से। तो भाई ना अपने फेस को भाई कुछ इस टाइप से स्मूथिंग करने के लिए आप लोग को मैं भाई बताऊंगा सिंपल तरीका। तो पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपने फेस को कितना हाई क्वालिटी में और भाई सबसे बेस्ट क्वालिटी में स्मूथ किया हूँ, और इतना बेस्ट क्वालिटी में और भाई इतना हाई क्वालिटी में फेस स्मूथिंग करने के लिए आप लोग को ना अपनी गैलरी में आना है। तो मैं कट करता हूँ, कट करने के बाद आता हूँ अपनी गैलरी में, और गैलरी में आने के भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना हाई क्वालिटी में मैं स्मूथिंग किया हूँ। और भाई ऐसा फेस स्मूथिंग करने के लिए आप लोग को ना अपना सिंपल फ़ोटो लेना है, और सिंपल फ़ोटो लेके ना आप लोग देख सकते हो मेरा सिंपल फ़ोटो ये रहा, और मैंने भाई इसी फ़ोटो को ना भाई कुछ इस टाइप से एडिटिंग किया है। और भाई इस टाइप से फ़ोटो एडिटिंग एंड गाइस फेस स्मूथिंग करने के लिए आप लोग को अपना सिंपल फ़ोटो लेना है, और सिंपल फ़ोटो भाई लेके ना आप लोग को सेंड करना होगा स्केच बुक में। तो आप लोग जैसे अपने फ़ोटो को स्केच बुक में सेंड करेंगे तो आप लोग का फ़ोटो ऑटोमेटिक स्केच बुक में आ जाएगा। तो फ़ोटो आने के बाद ना आप लोग देख सकते हैं मेरा सिंपल फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, और फ़ोटो भाई आने के बाद ना पहले आप लोग को अपने फेस को भाई स्मूथिंग करना है। तो फेस को भाई स्मूथिंग करने के लिए आप लोग को ना यहाँ पर क्लिक करना होगा इस वाले ब्रश पर, और भाई यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोग को सामने भाई कुछ इस भाई ऑप्शन खुल के आएगा, और भाई इस टाइप से ऑप्शन खुल के आने के बाद ना आप लोग को नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आप लोग को भाई यहाँ से मिलेगा ये वाला ब्रश। तो आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पे भाई कुछ ब्रश है, तो मैं इस मतलब भाई मैं इसमें से भाई एक ब्रश लेके अपने फेस को स्मूथ करता हूँ। तो मैं भाई ना इसमें से भाई लेता हूँ ब्रश ये वाला, और भाई इस ब्रश को लेने के बाद ना आप लोग को इस ब्रश को लेने के बाद आप लोग भाई इसका सेटिंग देख सकते हो कि मैं भाई इस ब्रश की भाई सेटिंग कितना रखा हूँ। तो सेटिंग आप लोग को कुछ इतना रखना है, और अगर आप लोग भाई सेटिंग इतना नहीं रखते हो तो आप लोग का फेस स्मूथ नहीं होगा। तो सेटिंग आप लोग को भाई इतना ही रखना होगा, और सेटिंग इतना रखने के बाद आप लोग भाई ब्रश आप लोग देख लिए हैं मैं कौन सा ब्रश आप लोग को बताया हूँ, भाई ब्रश ये वाला है, और भाई सेटिंग कुछ इतना है इस ब्रश की। तो इतना रखने के बाद आप लोग को करना है कट, और अपने फेस को आप लोग को जूम करना है। तो जूम करने के बाद आप लोग देख सकते हो भाई जैसा कि भाई यहाँ पे दाग धब्बा है, तो मैं जैसे ब्रश को यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो मेरा फेस भाई यहाँ पे ऑटोमेटिक स्मूथिंग होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पे मैं भाई ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ, और मेरा फेस कितना हाई क्वालिटी में यहाँ पे स्मूथिंग हो रहा है। तो आप लोग सामने भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे ना भाई मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ भाई कितना हाई क्वालिटी में और सबसे भाई बेस्ट क्वालिटी में। तो आप लोग को मैं भाई सबसे रियल तरीके आप लोग को भाई बताता हूँ, और आप लोग ना अगर पूरा फुल वॉश करते हैं वाले वीडियो का इस आप लोग ना पूरा 100% सीख जाओगे कि मैं कैसे कैसे अपने फेस को स्मूथिंग करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं भाई मैं ब्रश को अप्लाई जहाँ जहाँ कर रहा हूँ तहाँ तहाँ मेरा फेस ये स्मूथिंग हो रहा है पूरा अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ भाई पूरा अच्छे से भाई जूम करके अपने फ़ोटो को स्मूथ करूँगा, और आप लोग जब अपने फेस को स्मूथिंग करेंगे तो आप लोग को भी अपने फ़ोटो को पूरा जूम करके स्मूथिंग करना है, क्योंकि भाई अगर आप लोग अपने फ़ोटो को भाई जूम करके स्मूथ नहीं करते हो तो आप लोग का फ़ोटो भाई पूरा अच्छे से स्मूथ नहीं होगा, और आप लोग का भाई फ़ोटो ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग को मैं भाई बोलता हूँ हर बार आप लोग को अपने फ़ोटो को जूम करके ही भाई स्मूथिंग करना है। तो यहाँ से मैं फटाफट से अपने फेस को स्मूथ करके आप लोग को दिखाता हूँ भाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं पूरा अच्छे से यहाँ से ब्रश को अप्लाई करके और अपने फेस को भाई यहाँ पर सबसे कम टाइम में स्मूथिंग कर दिया है। तो आप लोग को मैं अभी दिखाता हूँ कितना हाई क्वालिटी में स्मूथ किया हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हैं भाई मैं यहाँ पे स्मूथ पूरा कर लिया हूँ। तो आप लोग मेरा फेस देखिए भाई, बस आप लोग ना भाई मेरा फेस देखिए कि मैं कितना हाई क्वालिटी में अपने फेस को स्मूथ किया हूँ, और इतना होने के बाद ना आप लोग को अब अपने फेस को भाई गोरा करना है। तो फेस को भाई गोरा करने के लिए आप लोग को ना क्लिक करना होगा भाई यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद भाई आप लोग को यहाँ से मिलेगा ऊपर प्लस का ऑप्शन, तो प्लस पर आप लोग को टैप करके और नीचे मिलेगा यहाँ से लेयर, तो लेयर पे क्लिक करना है, और नीचे मिलेगा आप लोग को नॉर्मल। तो मैं भाई यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद भाई ना आप लोग को नीचे मिलेगा यहाँ से सॉफ्ट लाइट, तो सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आप लोग को करना है कट।
तो इतना होने के बाद ना आप लोग को बस यहाँ से लेना है कलर, और कलर आप लोग को रखना है वाइट। तो वाइट आप लोग जैसे रखेंगे, आप लोग को वाइट रखने के बाद आप लोग करना है कट, और यहाँ से अब लेना है ब्रश। तो ब्रश लेने के बाद आप लोग को भाई अपने फेस को जूम करना है, और जूम करने के बाद आप लोग जैसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप लोग का फेस मात्र वन क्लिक में आप लोग देख सकते हो भाई कितना हाई क्वालिटी में। यहाँ पे मेरा फेस भाई गोरा हो रहा है भाई, सबसे हाई क्वालिटी में आप लोग को सिखा रहा हूँ भाई फेस गोरा करना। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कि मैं आप लोग के सामने भाई सब कुछ कर रहा हूँ, और भाई सबसे रियल प्रूफ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं भाई ब्रश को जैसे जैसे अप्लाई करूँगा वैसे वैसे मेरा फेस यहाँ पे भाई हाई क्वालिटी पूरा स्मूथिंग होगा और गोरा भी होगा। तो आप लोग भाई यहाँ पे देख ही सकते हो सबसे हाई क्वालिटी मैं आप लोग के सामने ही कर रहा हूँ, और ऐसा तरीका आप लोग को ना भाई कोई बताएगा नहीं 100%। तो आप लोग भाई देख सकते हो भाई कितना हाई क्वालिटी में स्मूथिंग, और आप लोग के सामने अपने फेस को गोरा करके दिखाया हूँ, और काफ़ी ज़्यादा भाई आप लोग को अच्छे से मैं बताया हूँ। अगर आप लोग भाई अभी समझ नहीं पाएंगे तो आप लोग भाई इस वीडियो भाई आप लोग दोबारा तिबारा देख लेना, आप लोग भाई समझ जाएंगे मैं कैसे करता हूँ और मैं कैसे आप लोग को सिखाया हूँ एंड गाइस कैसे बताया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई सबसे HD क्वालिटी में यहाँ पे आप लोग जैसे ब्रश को अप्लाई करेंगे भाई वैसे वैसे आप लोग का फेस गोरा होगा, और वैसे वैसे आप लोग का फेस भाई यहाँ से स्मूथिंग होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई मैं कितना अच्छे तरीके से आप लोग को बताया हूँ, आशा करता हूँ भाई आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग ना भाई इतना होने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरा फेस यहाँ पे गोरा भी हो चुका है और स्मूथिंग भी हो चुका है। तो इतना होने के बाद ना भाई आप लोग को अब कुछ नहीं करना है, आप लोग को भाई यहाँ से अपना भाई लिप्स कलर करना है। तो लिप्स अपना भाई कलर करने के लिए आप लोग को डबल लेयर पे आना है, और आप लोग को डबल लेयर लेके आप लोग को रखना है सॉफ्ट लाइट। तो सॉफ्ट लाइट रखने के बाद आप लोग को करना है कट, और कट करने के बाद ना भाई आप लोग को यहाँ से लेना है कलर। आप लोग को अपने होठों को भाई जिस कलर में भाई रखना चाहते हैं आप लोग को वहाँ से उस कलर को लेना है। तो मैं भाई अपने होठों को भाई रेड करूँगा, और भाई मैं यहाँ से अपने होठों को भाई रेड कलर में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से भाई रेड कलर लेता हूँ। और रेड कलर लेने के बाद आप लोग को करना है कट, और यहाँ से लेना है ब्रश ये वाला। तो मैं आप लोग से भाई बोलता हूँ आप लोग इसी ब्रश को लेकर अपने फेस को गोरा भी कर सकते हो, और अपने लिप्स को आप लोग कलर भी कर सकते हो। तो गाइस इस ब्रश को लेने के बाद आप लोग को करना है कट, और लिप्स को आप लोग को करना है जूम। तो लिप्स को जूम करने के बाद आप लोग जैसे अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप लोग का लिप्स यहाँ पे कलर हो जाएगा, और सबसे हाई क्वालिटी में यहाँ पे भाई कलर होगा, आप लोग देख सकते हो सबसे हाई क्वालिटी में। और मैं भाई ना ऐसे ही अपने फ़ोटो को स्मूथिंग करता हूँ, और कहीं से ऐसे ही अपने फ़ोटो को हाई क्वालिटी वाला भाई यहाँ से गोरा करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो भाई लिप्स कलर करने के बाद मेरा फ़ोटो कितना हाई क्वालिटी भाई लग रहा है देखने में। तो मैं यहाँ से अपने फोटो का भाई सॉरी गाइस अपने लिप्स का भाई कलर यहाँ पे आप लोग को चेंज करके दिखा रहा हूँ भाई चेंज करके। तो आप लोग देख सकते हो भाई लिप्स का भाई कलर कितना हाई क्वालिटी में चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ से भाई रखता हूँ थोड़ा सा रेड एंड गाइस यहाँ से करता हूँ डन। और भाई ना इतना होने के बाद आप लोग भाई देख सकते हो मेरा फेस भाई कुछ इतना ब्लैक था और मैं कितना वाइट किया हूँ। तो भाई ना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बाय। अगर आप लोग को भाई कोई प्रॉब्लम भाई हो फोटो एडिटिंग करने में गाइस आप लोग कमेंट कर देना भाई प्लीज़।